चल पड़े हम ऐसी रात पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इस वक्त बजे हैं रात के 3 और इस वक्त हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं अबू धाबी से फ्रैंकफर्ट की तरफ। और पहले दिन का ब्लॉग मैं इंशाल्लाह बना के आपको अपलोड करूँगा। आप देखेंगे कि हमने पहला दिन कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इस वक्त बजे हैं सुबह के 6:15। अबू धाबी में हम अराइव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इत्तेहाद एयरवेज का, जो कराची से अबू धाबी का है। एक तो एयर फ्लो इतना कम था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा स्क्रीन भी नहीं थी कोई, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। तीसरा पूरे जहाज में अंधेरा था हर वक्त और कोई एक्टिविटी नहीं थी। और एयरपोर्ट भी पहुँचे तो इतना कोई ख़ास वो नहीं है। अगर कोशिश करेंगे, अगर आप लोग इत्तेहाद से सफ़र कर रहे हैं तो बड़ा एयरक्राफ्ट हो तो ही टिकट कराए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस 2 घंटे का जो है वो थोड़ा सा वर्स्ट। इस वक्त बज रहे हैं 10 और हम निकल रहे हैं फ्रैंकफर्ट के लिए। इनके मजे लगे हुए, ये मस्तियाँ कर रहे हैं। अगलावा मजबूरी नो हाल जान दी पसूरी नो सहर भरे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो आया सी ओ नहीं आया दिल और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2:30 बजे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और बहुत टायरिंग सफ़र रहा और साथ साथ जो है मुश्किल, सो नहीं सके हैं, नींद पूरी नहीं हो सकी है। हम जा रहे हैं इमिग्रेशन में और हम फिलहाल भर जो है वो मोबाइल में है। टेंशन में आगे के बाद हम इस वक्त बजे हैं 4:35, तारीख हो रही है 5 और हम लोग पहुंच गए हैं इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर सामान लेकर। सिंगल ट्रिप जो है वो महंगा हो गया, अभी पहले 2.8 का था, अब 5.8 कर दिया इन्होंने। तो महंगाई तो अभी स्टार्ट में ही हमें अंदाज़ा हो गया कि बढ़ गई है। हम सेंट्रल स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये हमारा बेडरूम, 3 दोस्त हैं तो तीनों के नहीं आ लिया। आज पहला दिन इख्तिताम होगा, खाना खा कर आएंगे, जब बैठे होंगे तो फिर आपको हाफिज़ करूँगा। टर्किश कबाब। सलाम अलैकुम। तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 10:15 और अभी अंधेरा होना शुरू हो गया, दुकानें बंद हो रही हैं। लाइफ खत्म आज की। तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाऊं, है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछाई।